सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखे कि उसमें भी कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारे। सफलता के बाद नम्र बने रहना बड़ा कठिन काम होता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। आज का पंचांग 18 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। 18 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग न करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। इस समय आप संघर्षपूर्ण महसूस करेंगे। कूटनीति, कानूनी या धन संबंधित विवादों को हल करने में आपकी मदद करेगी। परिवार के साथ समय बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपका परिवार जिसमें बच्चे और पालतू जानवर भी शामिल हैं, आपको खुश करेंगे व प्रतिस्पर्धा और शत्रुता की भावना से भी छुटकारा दिलाएंगे। बातचीत आज का मंत्र है और आज अवसरों की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। अपने विचारों को साझा करें और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़े रहें। लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना आप जो भी करते हैं वो आपके कल को सुधार सकता है। मकान संबंधित खरीदारी की भावना प्रबल होगी, अतः प्रयासरत रहें। इस समय किसी राजनेता अथवा उच्च अधिकारी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। भाई बहनों के आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। मांगलिक आयोजन की भी योजना बन सकती है। आपके मूड और विचारों में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसे अपनी कमजोरी ना समझे। इस प्रकार से आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, उनमें बदलाव करने की जरूरत है। आपके द्वारा गुस्से में बोली गई बातों का पछतावा हो सकता है। व्यापार करने का प्रस्ताव मिल सकता है या काम भागीदारी में करना लाभदायक होगा। लव लाइफ से संबंधित चिंता बनी रहेगी। तनाव और चिंता का असर आपकी सेहत पर नजर आ सकता है। बार रोग विशेषज्ञों के लिए समय अच्छा सिद्ध हो सकता है। अटके भुगतान या धन की प्राप्ति का रास्ता निकल सकता है। जीवन साथी का व्यवहार सुखद रह सकता है। कमर में दर्द भी रह सकता है। नाक, कान और गले के डॉक्टरों के लिए प्रतिकूलता वाली बात रह सकती है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी बरतें। सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। शारीरिक शिथिलता अधिक रह सकती है। मीडिया संवाददाताओं के लिए समय अनुकूल है। विज्ञापन लेखकों को अच्छा अवसर मिल सकता है। मित्र मंडली सहयोग दे सकती है। परिश्रम की अति होने से बचें। कैंसर विशेषज्ञों के लिए विशिष्ट अवसर आ सकता है। अनाज के थोक व्यापारियों को प्रतिकूलता रह सकती है। बड़े भाई के तालमेल के मामले में धैर्य धारण किए रखें। वैव की अधिकता से परेशान हो सकती हैं। सावधानियां, आमदनी कम और खर्चा अधिक वाली स्थिति भी रहेगी। फालतू के कार्यों में हो रहे खर्चों को नियंत्रण में रखें। वाहन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए समय अनुसार सर्विस करवाते रहें। बात करते हैं लव लाइफ की।
पति पत्नी में कुछ नोक झोंक जैसी स्थिति रहेगी। प्रेम संबंध परेशानी बदनामी का कारण बन सकती है। बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में अपने उस खास आदमी के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की जरूरत है। अच्छा, आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसके आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से है, न कि उन चालों से जो आप पहले से खेलकर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सब से अलग है जिसे आपसे खुले मन और ईमानदारी की उम्मीद है। आज आप एक अलग ही अलौकिक शक्ति महसूस करेंगे जिसे आप अपने साथी का दिल जीत सकते हैं। अपने प्रयासों से आप कार्यस्थल और निजी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें और ऋण दुर्घटना आदि से बचें। आज नए लोगों से मिलने और उनसे बातचीत, इसे न केवल आप आनंदित महसूस करेंगे बल्कि इसके साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अपने रिश्ते में उत्साह को कभी भी कम ना होने दें। रिश्ता अगर बोरिंग हो गया है तो कुछ उसमें फिर से जान लाने के लिए कुछ नया करें ताकि यह रोमांचक बने। बात करती हैं करियर की। आपके विचारों में स्पष्टता के कारण आप अपने हर कर्तव्य को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। सहकर्मियों या अधीनस्थ से मिला धोखा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन चिंता ना करें, आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। दूसरों के साथ अच्छा करें, इसे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में सोचें, महसूस करें और लोगों से बातचीत करें। सामान्य विचार वाले लोगों के साथ मिलने जुलने से अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी यह समय शुभ है। जीतने की इच्छा नहीं बल्कि जीतने की तैयारी ही इंसान को सफल बनाती है। आज आप काफी मेहनत के साथ भाग दौड़ करेंगे परंतु उसका संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। नया क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं। इस समय बिजनेस में आवेग और भावुकता में लिया गया निर्णय नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए बहुत ही ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की जरूरत है। कार्य विस्तार संबंधित योजनाएं मूर्त रूप लेगी। नौकरी में अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। बात करते हैं सेहत की। दुर्घटना का दर्द तथा पेट की समस्या से परेशान रहेंगे। ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करें। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी। आपको ठंड और इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।